बड़े भैया हमारे जय सिंह जी के आशीर्वाद से आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, जहाँ पे मौजूद बनी हमारे बड़े भैया आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, बड़े भैया हमारे प्रदीप शर्मा जी, और भी जितना भी हमारे भैया चाचा माई बहन सर झुका के सबके पैर झुक प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद दीजिए। प्रेम भैया के सामने, प्रदीप भैया के सामने हम का बोल रहे, तो मैं जो हूं मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, कुछ नहीं आता है, जब तक शरीर में सांस है तब तक सीखना, गाना गाए के सिखानी जा, गाना गवाते गवाते हमके एक्टर बना दिए आप लोग, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। तो हम जो उनका हम अपने कलाकारी के भाव से कहा, इस मंच पे हम ये भी आप लोगों को बता दें कि इस मुंबई शहर में अगर पवन सिंह इस लेवल पे अगर खड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे बड़े भाई का जाता है। एक समय था जब पवन सिंह मुंबई में जब आया था तो मेरा भाई बोला, देखो मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ कहीं भी बोलता हूँ डंके के चोट के, मुझे नहीं आता कि हम यहाँ कुछ और बोले, रूम में जाके कुछ और बोले, जब यहाँ बोलो वहाँ घर में बोले, बोल रहा हूँ लाखों के बीच में बोल रहा हूँ, बोलता हूँ होटल के बिल इतना आ गया अचानक, हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं था, 13 रुपया प्लेट में जब खाना मिलते वो खाना खाते रहे कैसे कैसे जाके, भैया की मेहरारू पत्नी हमारी माँ खाना बना के रोज होटल में भेजती थी, भैया लाता था, बोलता था कि भाई मेहनत करो तुमको पैसे के लिए मुंबई से लौटने नहीं दूंगा, जियो जियो मेरा भाई, क्या बात। और आज किसी को अपने से फुर्सत नहीं है, लेकिन आज आप लोग जब ऐसा महान कार्य में आप सब समय देता रही जा, और हम जैसे कलाकार के लिए आवे के अगर मौका मिला था कंपनी में हम गाना गाई था, वेट म्यूजिक भोजपुरी का नंबर वन कंपनी, उस कंपनी का मालिक मेरा भाई आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा, भोजपुरी को यहाँ तक लाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो मेरा भाई कुमार गौतम, और नहीं रहा कहाँ से, मेरा भाई कुमार गौतम अमर है और अमर रहेगा, जय हो मेरा भाई। कुछ गलती भाई भाई ने हमसे बोले में तक क्षमा चाहता नहीं, माफ कर हम जाते हम के ज्यादा बोले ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं गा, एक भाव भाई ने बोला कि आपको यही गाना गाना है मंच में देवी गीत, हम एक भाव गाए थे बहुत पहले, मिला था खाक में जिंदगी जीवन मस्त हुन हो जाती, मिला था खाक में जिंदगी जीवन मस्त हुन हो जाती, करी जग याद कुर्बानी जब मानो ठंडाई, एक छोटा सा बच्चा दुर्गा माई के मंदिर में जाके दुर्गा माई से कहा कहा था कि थोड़े देर बात के छोड़ हो भोजपुरी भाषा के बोले वाला समझे वाला सुने वाला, अगर गरजे तो लगे कि हाँ गर्जन है, मेरी गर्जन का दिल से हो भैया, थोड़े देर थोड़े तेज जगह
प्रदीप भैया, प्रेम भैया, हमारे तो फिल्म पिछले साल रिलीज भई रहे, जो ने फिल्म का नाम सत्या, बहुत बड़ी हिट फिल्म है भोजपुरी की। क्लाइमेक्स में जब विलेन बोलता है पवन सिंह से, सुन बेटा, मैं रहता हिंदुस्तान में हूँ लेकिन गाता पाकिस्तान का हूँ, तो आपका भाई वही बोलता है कि सुन, मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश का नाम है, सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान। हर साल ईद पे हमारी फिल्म आवेला भैया, पिछला के पिछला साल फिल्म आई रहे गदर, और इस साल ईद में हमार फिल्म आई, जो फिल्म के नाम हमारे पीछे सलाम, जिसका शूटिंग चल रहा है अभी सिलवासा में, बस आशीर्वाद आप लोग दीजिए मुझे। Planet Bhojpuri.